निकालना है क्या आदमी को? निकालना है कंट्रोल रूम को मैसेज हो जाए तो बड़ा पब्लिक खड़ी है क्यों भाग में इतना लंबा समय समय खाना खाया मैं जाने 7 बजे के लगे हुए हमें फैक्ट्री पानी भी नहीं पी पाए मतलब जैसे ही हमने मारुति नगर पर इस्टेब्लिश किया फोन आ गया बोला तो सर तुम मिराज यात्रा बोल यहाँ ठीक है आपको पब्लिक? हाँ हाँ यहाँ पब्लिक है इधर सर रात हो गए पीछे हैं तो थोड़े से ही लोग ठीक है इधर दोनों साइड है ना आगे भी उधर दोनों साइड है वहाँ है पब्लिक वहाँ कर लो जरूरत पड़ने पे पूरा उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी कोई ऐसी आपदा होती है तो NDRF अपनी पूरी शक्ति के साथ और वहाँ के जिला प्रशासन के सहयोग से किसी भी लोगों को न केवल जिंदा बचाएगी उनके अगर उनको कोई हेल्थ संबंधी ज़रूरत है तो उसको मुहैया कराएगी और अगर और भी कोई उनकी जो लाइव स्टॉक है उनके पशु हैं उनको भी जीवित बचाने के लिए पूरे तरह से तत्पर रहेगी। थैंक यू सर लाइव BNS से बात करने के लिए। सर तो हम NDRF IG आलोक कुमार सिंह जी से बात कर रहे थे, DIG आलोक कुमार सिंह जी से बात कर रहे थे NDRF के। साफ कहना है कि काशीवासियों को किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। NDRF पूरा का पूरा जिला प्रशासन बाढ़ से प्रभावित उन लोगों के साथ है जो बाढ़ से घिरे हुए हैं, उन्हें निकालने का भी जो कवायद है वो भी जारी है और जैसी सूचना प्राप्त हो रही है NDRF टीम तुरंत मौके पर जा रही है, राहत बचाव कार्य को अमलीजामा पहना रही है। लाइव BNS के लिए ध्यानचंद शर्मा वाराणसी।